टॉपिक देख के कुछ अंदाजा लग रहा है। सो यस, ये जो है वो प्रोकेस्टिनेशन का सेकेंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था प्रोकेस्टिनेशन की जो फर्स्ट वीडियो थी कि सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो लोग भी प्रोकेस्टिनेशन की फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं वो प्रोकेस्टिनेशन के सेकेंड वीडियो को मिस ना करें, और जिन लोगों ने प्रोकेस्टिनेशन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उनको सेकंड देख के कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप ये सेकंड वीडियो बंद कर दो और जाकर प्रोकेस्टिनेशन की फर्स्ट वीडियो देखो एंड देन आप यहाँ पर आओ। सो टिप्स फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है हाउ टू फाइट अगेंस्ट प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन को डिफाइन किया था मैंने, प्रोकेस्टिनेशन कैन बी डिफाइंड एज अ थीफ ऑफ टाइम। मतलब कि प्रोकेस्टिनेशन की वजह से हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, तो अब उसी टाइम को कैसे हम बेटरली मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, वो इफ़िशेंटली टाइम पर पूरा कर सकते हैं जिससे लास्ट में हमें पछताना ना पड़े। सो जो यहाँ पर कुछ 15 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे, आपको गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट इनमें से कुछ 15 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं और जो मैंने इसमें चेंजेस किए हैं वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब होता है कि आप बहुत सारे काम को एक साथ लेकर बैठे हो तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो उसमें एग्जाम्पल लेते हैं मैथ सब्जेक्ट का। जैसे अगर हम मैथ्स में क्वेश्चन लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं और साथ में टीवी, रेडियो, फ़ोन कुछ भी बज रहा है और आप सोच रहे हो कि चलो मैथ्स में सवाल ही तो लगाने रहते हैं, आप लगाते जा रहे हो, बट अगर आप कोई म्यूज़िक या कोई टीवी या कुछ भी सुन रहे हो तो कोई ना कोई एक ऐसा सॉन्ग हो सकता है, कोई ऐसा कंटेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और फिर आपका माइंड जो है वो वहाँ पर स्किप कर जाए। तो प्रेजेंट तो आप अपने मैथ सॉल्यूशंस के साथ हो बट आपका दिमाग जो है वो कहीं पर और लगा हुआ है। सो आप मल्टीटास्किंग मत करो, एक समय में एक ही काम करो, फिर चाहे आप वो टीवी देख रहे हो तो टीवी देखो और मैथ्स लगा रहे हो तो मैथ्स ही लगाओ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेट डेडलाइंस हमारा सेकेंड पॉइंट है। सेट डेडलाइंस इसका मतलब है कि आप डेडलाइंस को फॉलो करो। जैसे कि अगर आपने ये तय किया है कि मैंने पहले आपको बताया था डोंट हैव अ प्लान बी, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। सो अगर आपके पास प्लान बी मौजूद है तो आपका प्रोकेस्टिनेशन होना तय है। अगर आपने ये तय किया है कि आपका जो वर्क है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसे 10 दिन में कंप्लीट कर लेना है। अगर वो प्रोग्राम 10 दिन तक नहीं हो रहा है और सपोज आपके पास और भी आपने सोचा कि चलो 10 दिन में नहीं हुआ तो बाद में कर लेंगे, 2 दिन और एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो फिर वो प्रोग्राम या फिर जो काम है वो आपका हो नहीं पाएगा। सो आप फिक्स रखो कि 10 दिन तो 10 दिन, जैसे कि एग्ज़ाम के पहले फिक्स होता है कि कल एग्ज़ाम है तो आज रात तक सारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इस तरह आप अपनी डेडलाइंस को डिसाइड करो और भाई फॉलो करो। ठीक है, थर्ड है प्रायोरिटाइज टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो। जैसे कि अगर आप इस समय घर पे हो, क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, तो उस समय आपकी जो प्रायोरिटी है टास्क की वो डिफरेंट है, चेंज है, और रूटीन में कुछ और होती है। रूटीन में जैसे आपकी प्रायोरिटी है कि अगर आप 3 से 4 आपका कोचिंग का टाइम है तो आपको कोचिंग जाना ही जाना है, इस समय आपकी प्रायोरिटी वही है, उस समय आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे, ऑब्वियसली बातें नहीं करोगे, कुछ लोग करते हो तो मुझे उनका नहीं पता, बट एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट तो नहीं करेगा, वो जाएगा ही जाएगा कोचिंग। तो इस तरह अपनी जो टास्क है उनको प्रायोरिटाइज करो। अगर टीवी देखना इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर उसको सेकेंडरी बना लो, आप अपना वर्क पहले कंप्लीट करो एंड देन टीवी देखो। ऐसे आप काम को प्रायोरिटाइज करना सीखो कि आपकी प्रायोरिटी में कौन से काम है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं प्लस आपका लर्निंग प्रोसेस भी पेंडिंग है तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि नोट्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल आपको नोट्स चेक कराने हैं तो इस समय आपकी प्रायोरिटी होगी नोट्स बनाना, तो आप नोट्स बनाने बैठ जाओ। तो इस तरह अपने काम को प्रायोरिटी देना सीखो। ठीक है, इस पर एक कोट भी है इंग्लिश का, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट मीन्स अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना सीखो। फोर्थ है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड कीप योर माइंड फ्रेश। आपके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। आप बैठे तो वो पढ़ने के लिए पर दिमाग में ये चल रहा है कि यार आज मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी या फिर आज मुझे टीचर ने डांट दिया, ओफो मैंने नोटिफिकेशन ही नहीं चेक किया है आज का। तो इस टाइप के जो डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में चलते रहते हैं आपको ये नहीं होने चाहिए। आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए कि बुक लेकर बैठे हैं तो फिर पढ़ना ही है। फिफ्थ है वर्क व्हेन मोस्ट प्रोडक्टिव। हर इंसान का कुछ ऐसा टाइम होता है जब वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। कुछ लोगों के लिए रात का टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए दिन का टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग का टाइम होता है। ये आप खुद डिसाइड करो कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन से टाइम पे रहते हो। ठीक है, जैसे कि
मेरा जो दोपहर का टाइम है वो बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहता है. आई एम लीस्ट प्रोडक्टिव एट आफ्टरनून. ओके, सो मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो नाइट हो सकता है या मॉर्निंग हो सकता है. तो आप भी डिसाइड करो कि आप कब से कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो, आप कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा वर्क कर सकते हो, वही होगा आपका प्रोडक्टिव टाइम. सिक्स जो है, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन एंड सेट रिमाइंडर्स. ये जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट काम है कि आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो. सेटिंग में जाओ, नोटिफिकेशन ऑफ करो, सिर्फ ज़रूरी नोटिफिकेशंस को ऑन रखो, जैसे कि जीमेल हो गया या कुछ और. आपको मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि ये पॉइंट जो है, इसे फॉलो करने के बाद आपके आधे डिस्ट्रैक्शंस तो वैसे ही ख़त्म हो जाने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड फिनोमिना है कि आप अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, फिर जो हो रहा है होने दो, जब खोलोगे तो ही पता चलेगा. ठीक है, तो ये आप ऑफ करके देखो. सेवेंथ है, डिक्लाइन एडिशनल कमिटमेंट्स. अब ये बहुत लोगों के लिए मुश्किल काम हो सकता है कि आप अपने एडिशनल कमिटमेंट्स को जो है वो साइड में रखो. देखो, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जैसे कि एक नाई वाले, अगर को किसी को आपने नाई बोला है, दैट मीन्स बार्बर है, तो उसका काम होता है बाल काटना. कारपेंटर का काम होता है फर्नीचर बनाना. इस तरह स्टूडेंट का काम होता है स्टडी करना. ठीक है, आपको स्टूडेंट कहा है, इसका मतलब कि आपका वर्क स्टडी है. वरना स्टूडेंट को हम बार्बर या कारपेंटर नहीं कहते, और कारपेंटर या बार्बर को हम स्टूडेंट नहीं कहते. तो ये याद रखो कि आपका काम है स्टडी करना. तो ये जो एडिशनल कमिटमेंट्स हैं, जो लोग मेरा एडिशनल कमिटमेंट से मतलब नहीं समझ रहे हैं वो समझ जाएं. ये एक एग्जांपल हो सकता है इसका, कमिटेड रिलेशनशिप्स या आपके बेस्ट फ्रेंड्स, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो आप डिसाइड कर लो कि आपको एडिशनल कमिटमेंट्स में फंसे रहना है या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह स्टडी करना है. आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है आप वो करो, उसमें मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगी. टाइडी और वर्क स्पेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना जो वर्क स्पेस है जहाँ पर आपको काम करना है उसे पहले साफ रखो. क्योंकि अब आप उठे, हाँ मैं जा रहा हूँ पढ़ने, एंड देन वहाँ पर चीज़ें सही करने में लग गए. अब जब तक चीज़ें सही हुई तब तक आपका टाइम पास हो गया, एंड अब आप खाना खा के चुपचाप सो गए. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबके साथ होता है. आप यकीन मानो कि जब आप उठोगे तो पहले, अगर किसी को नीटनेस पसंद है तो सबसे पहले आप अपना वर्क स्पेस सही करने में लग जाते हो, उसमें आपका पूरा दिन निकल जाता है. फिर सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, फिर कल आता ही नहीं है कभी. तो अपना वर्क स्पेस हमेशा सही रखो. एंड जो 9 पॉइंट है वो गेट मोर ऑर्गेनाइज, सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखो. अब पढ़ने बैठ गए हैं, मैथ्स की बुक तो ले ली, गाइड वहीं रखी रहेगी, गाइड ले ली, ज्योमेट्री भूल गए. अब साइंस का कोई काम करना है तो साइंस का वो बुक्स वगैरह लेकर बैठे, पेन पेंसिल भूल गए, डायग्राम बनाने दो बार उठ के गए, बाहर कोई मिल गया खड़े होकर बात करने लग गए, टीवी चल रही है खड़े होकर गाने सुनने लग गए. सो ये जो चीज़ें हैं ये तभी अवॉइड होंगी जब आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाओगे कि आपका सारा सामान एक ही जगह पर है. अब आप स्टडी करने बैठे हो तो आपको उठना नहीं है. मेक टू डू लिस्ट डेली. अच्छा, टू डू लिस्ट बनाने से आपको पता चलता है कि आपने पूरा दिन क्या काम किया है. ट्रस्ट मी, ये मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मेरी डायरी है जैसा कि आप देख सकते हो. सो डायरी में आप लिखना शुरू करो कि कौन से दिन में आपने कितना वर्क किया है और कितना काम कंप्लीट किया. स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे डेज होंगे जिस दिन आपके पास लिखने के लिए कुछ होगा ही नहीं. फिर आपको पता चलेगा कि जब आप एक पेपर में इतना नहीं लिख पा रहे हो कि आज मैंने पूरा दिन में किया क्या है, तो सोचो आपने अपने 24 घंटे वेस्ट कर दिए. फिर आपको पता चलेगा कि यार आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया है, और फिर आप लिखते हुए बड़ा शर्म आता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत शर्म आता है कि लिख दिया कि हाँ डिस्ट्रैक्टेड या सो गए थे या आई वॉज फीलिंग लेजी. सो डायरी लिखना ज़रूर शुरू करो एंड मेक टू डू लिस्ट डेली. दिन भर मैं आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा काम करना है और फिर उसे टाइमली कंप्लीट भी करो. तब टू डू लिस्ट में जब आप टिक और क्रॉस लगाओगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ आज मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया और ये नहीं आया, तो फिर उसके सामने लिखो कि ये क्यों नहीं किया. फिर आपको आपकी प्रॉब्लम्स पता चलना शुरू हो जाएगी कि हाँ डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं हुआ, कल से मुझे इस डिस्ट्रैक्शन को कट आउट करना है. 11th पॉइंट है, ब्रेक बिग प्रोजेक्ट्स इनटू स्टेप्स. कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे लेकर मत बैठो कि जैसे कि टाइम चल रहा है, छुट्टी के 2 दिन मिले, हमने सोचा कि 2 दिन में ही पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे. वो कभी भी नहीं होने वाला, फिर बस आप अपने आप को टालते रहोगे. ऐसा अच्छा है कि आप चैप्टर वाइज तोड़ दो उसको कि हाँ आज इस चैप्टर को 1 दिन में खत्म करना है. अगर चैप्टर बड़ा है तो और भी ज्यादा उसे पेजेस में ब्रेक कर दो कि 2 पेज पढ़ना है पर डे. ठीक है, तो जब ये स्मॉल चीजें करोगे तो वो अपने आप लार्ज बन जाएगा. स्मॉल स्टेप्स क्रिएट लार्ज डिफरेंसेस. ओके,
फिर जो पॉइंट नंबर 12 है, मेक टारगेट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. कैपेसिटी देख के टारगेट तय करो, ठीक है. आपको पता है आपकी कितनी एफिशिएंसी है, फिर भी आप उठे, यूट्यूब पर किसी की बात सुनी एंड देन आपने ये टारगेट बना लिया, वो टारगेट बना लिया. जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती है, एक रात में अपना सिलेबस ख़त्म करो. मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ऐसा भी आ गया ना यूट्यूब पे कि तीन तीन सेकेंड्स में आप पास कर सकते हो एग्ज़ाम, तो बच्चे वहाँ पर भी क्लिक करेंगे. ये जानते हो कि वो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है. तो अब आप अपने लिए अपने हिसाब से टारगेट सेट करो कि मेरी कैपेसिटी इतनी है तो मैं इतना ही करूँगा. दूसरों के उस पर चलने का कोई मतलब नहीं है. जैसे कि कौआ अगर हंस की चाल चले ना तो फिर उसका पोपट ही होता रहता है, तो वो कौआ ही है ना. देन 13 पॉइंट देखते हैं. गेट सम फ्रेश थॉट. फ्रेश थॉट्स तभी आपको मिलेंगे जब आप कोई नई चीज़ रीड करोगे या किसी नए कंटेंट को देखोगे, ठीक है. आप एंटरटेनमेंट ही सब लोग ढूंढते हैं, तो आप फ्रेश थॉट कहाँ से लाओगे? फ्रेश थॉट फिर आपको एंटरटेनमेंट के बारे में आएंगे. तो आप जैसी चीज़ें आसपास देखते हो आपका जो थॉट है वो वैसे ही हो जाता है, ठीक है. तो आप अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करो. कोई बुक पढ़ो, कुछ राइटर्स को पढ़ो जो इन्फ्लुएंसिव हो. आपको जिस तरीके का कंटेंट पसंद है आप उस तरीके के थॉट्स को अपने दिमाग में लेके आओगे, तो वो आप डिसाइड कर लो. 14th, ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स. सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करो जो मैटर करती हैं. अब आज कोचिंग में किसी का किसी से झगड़ा हो गया, अब उस पर घंटों वेस्ट हो जाते हैं बात करते करते कि इसमें किसकी गलती थी और किसकी वजह से हुआ. तो अब उन पर बात करो ना जिन जिनसे आपको सच में फ़र्क पड़ता है. जिनसे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके बारे में बात करके टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा है ना. तो इस तरीके के इश्यूज़ को अवॉइड करो जो आपको मैटर करता है आपकी लाइफ. अब हाँ, अगर आपके पेरेंट्स की लाइफ में कुछ चल रहा है, भाई बहन की लाइफ में कुछ चल रहा है, तो येस वो मैटर करते हैं, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ ओके. बट आपके फ्रेंड्स की लाइफ में क्या चल रहा है, बगल में क्या चल रहा है, पड़ोसियों में क्या चल रहा है, उससे मैं क्या मतलब ना. तो उस चीज़ को आप कट ऑफ कर दो. लास्ट पॉइंट है, रिमेंबर द बर्डन दैट यू हैव इज क्रिएटेड बिफोर ड्यू टू प्रोकेस्टिनेशन. हमेशा ये याद रखो कि इससे पहले वाले भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर जितने भी ऐसे टाइम आए हैं जब आपको आखिरी समय पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर सारा काम खत्म करना पड़ा है, तो हमेशा याद रखो कि उसका रीज़न जो था वो प्रोकेस्टिनेशन ही था, और कोई रीज़न नहीं था आपके लेट होने का, आपके डिस्ट्रैक्ट होने का और आपके कम मार्क्स आने का. अगर आप इस 15th पॉइंट या रीज़न को याद रखोगे तो बिलीव मी कभी भी आप प्रोकेस्टिनेट नहीं करोगे. सो ये जो 15 पॉइंट्स हैं, आप इनको पूरा मेंशन करते करते ही 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है. आई नो इट्स वेरी बोरिंग, लेकिन जिसे कंटेंट पसंद आया हो वो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर ये कंटेंट देखना चाहते हो तो. और वीडियो लंबी है बट फिर भी कम्प्लीटली अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो फिर मैं कह सकती हूँ दैट येस यू आर रेडी टू अवॉइड प्रोकेस्टिनेशन. एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड डू नॉट प्रोकेस्टिनेट.